हेलो बंधुरा नमस्कार। आज के महापंचमी महापंचमी शारदीय शुभेच्छा। आज के आमी द्वितीय दिने पैंडल हॉपिंग करते आसी आमार परिवार के लिए। आशा कर सबाए भलो आछेन। आज देखिए रितिका पूरा बंगाली लुक में तैयार हुई है, बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनी है। ये साड़ी भी बंगाली साड़ी है, कांथा स्टिच। ये देखिए पूरा ऑथेंटिक बंगाली स्टाइल। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? सो आज डे टू हम लोग का पंडाल हॉपिंग का, एंड हम लोग कहाँ आए हैं, क्या घूम रहे हैं वो तो आप लोग देखेंगे अभी मतलब ब्लॉग में आगे। बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, ये हम लोग अपने ही मतलब पास के एरिया में आए हुए हैं, एफडी ब्लॉक में, वहाँ पे घूमने। यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब पंडाल बन गया है हर साल और देखने बहुत अच्छा लगता है। सो आज डे टू में हम लोग यहाँ निकले। हम लोगों का रोज रोज यहाँ पे पंडाल हॉपिंग ही चल रहा है। रोज शाम को निकल जाओ, पंडाल हॉपिंग करो, खा पी खा के सो जाओ। सो अभी हम लोग कहाँ का मतलब घूमे, क्या घूमे, अभी आगे हम लोग दिखा रहे हैं आपको। सो स्टे ट्यून्ड। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। आप लोग दशहरा में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा भी अभी पंडाल हॉपिंग चल रहा है डेली डेली। आज हम लोग आए हैं सॉल्ट लेक के एफडी ब्लॉक में। यहाँ पर पूजा बहुत अच्छा होता है हर साल, बहुत बड़ा और यूनिक टाइप का होता है, तो इसीलिए हम लोग आज आए हैं। तो चलिए देखते हैं एफडी ब्लॉक का पूजा। इस साल का जो एफडी ब्लॉक का थीम है वो ट्राइबल थीम है। जंगल में मतलब आदिवासी लोग वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा, घर, उस सब को दिखाया गया है यहाँ पर। अंदर जाने से लगता है जैसे सच में कोई मतलब जंगल में ही आप लोग आ गए हो ऐसे लगेगा। छोटे छोटे कॉटेजेस बहुत सुंदर बना हुआ है बांस का, और पंडाल का भी जो डेकोरेशन है वो लगभग पूरा बांस में ही हुआ है। यहाँ पे भी ज़्यादा देर मतलब कहीं पे खड़े होने नहीं दे रहे क्योंकि अभी भीड़ बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो चलते ही रहना है। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से पेंटिंग करके डिजाइन किया गया है।
पूरा पंडाल बहुत सुंदर दिख रहा है और माँ का मूर्ति भी बहुत ही सुंदर है। और दूसरे साइड में बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है जहाँ पर पूरा सब कुछ खरीदारी का दुकान भी है, खाने पीने का भी सब कुछ अवेलेबल है, हर तरह का ऑप्शन, और बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारे राइड्स झूले सब लगाए गए हैं। मोमो 120 बाहर करो तू। अभी हम लोग आए हैं दूसरे एक पंडाल में, सॉल्ट लेक सेक्टर 3 में ही। ये सुश्रुत का जो आइलैंड है वहाँ पे बना हुआ है, दोनों तरफ पूजा हुआ है, ये एक साइड का पूजा है। अभी इसको देख के हम दूसरे साइड में जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा पूजा नहीं होता है पर बहुत सुंदर तरीके से पूजा होता है। बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया गया है पूरा पंडाल में। अभी चलते हैं रोड के दूसरी तरफ। ये देखिए रोड के ऊपर कितना सुंदर अल्पना बनाया गया है। और ये रहा पंडाल, पट्टचित्र पेंटिंग जो है उसके थीम के ऊपर बनाया गया है। पूरा पंडाल बहुत सुंदर लग रहा है। चारों तरफ अल्पना पेंटिंग सब बनाया हुआ है।